हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हिंदी का पार्ट 15। ऐसे पहले 14 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को कहते हैं। तो जो वर्णों के समूह होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शब्द। विस्तृत तत्वों को संक्षिप्त में लिखना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सारांश। सुवाच्य का सही अर्थ है तो सुपठनीय लेख। शिक्षक की श्रेष्ठ प्रविधि है तो प्रश्न प्रविधि, जो कि शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि है। शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि क्या कहलाती है? वार्तालाप। बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार है तो अनुसरण, जो कि बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार होता है। दुख की अनुभूति पर वाचन का स्वर भारी होता है तो ध्वनि वश्यता कहलाता है। कामायनी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। गीतांजलि के रचनाकार हैं? तो गीतांजलि के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। गोदान के लेखक हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। और जो पहले जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र, जो की शब्द जो धातु शब्द के पहले जोड़ा जाता है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो कृत प्रत्यय कितने हैं? 42। पुरोहित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? पुर प्लस रोहित, तो क्या हो जाता है? पुरोहित। संस्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो सम प्लस आकार, तो क्या हो जाएगा? संस्कार। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? बी प्लस ज्ञान, तो विज्ञान। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? चिर प्लस आयु, तो क्या हो जाएगा? चिरायु। निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? निर प्लस बाह, तो क्या हो जाएगा? निर्वाह। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो ला, धुंध प्लस ला, तो ये क्या हो गया? प्रत्यय। दोष हर्ता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? हर्ता, तो दोष प्लस हर्ता। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे भी मैं आपके लिए ये सीरीज कंटिन्यू रखूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।